नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसा रहेगा कि कुछ एकदम ही अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम आपके पास आ जाए, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था कि ये पीवी आ सकते हैं, वैसे पीवी अगर आपके अकाउंट में आ जाए और कुछ सपोर्ट हो जाए आपको अपना टारगेट अचीव करने में, लेवल अचीव करने में। तो दोस्तों आज ये वीडियो में वही बात करेंगे, जैसे आपने शायद थंबनेल में भी पढ़ा रहेगा कि कुछ ऐसे वॉल्यूम हम हमारे डेड डिस्ट्रीब्यूटर के पास से भी निकाल सकते हैं। देखो उसके लिए कुछ काम करना होगा। देखो ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बोलोगे सर अभी आप ये बोलोगे कि उनको फिर से मोटिवेट करना है, वापस से जगाना है, वो कुछ नहीं करना है। सिंपल जो मैं बताता हूँ वो तरीका कर लीजिए तो आपको शायद भले छोटे छोटे वॉल्यूम आए लेकिन डेफिनेट कुछ वॉल्यूम आपके आपके अकाउंट में आएगी। किस तरीके से आएगा, देखिए जैसे हम हमेशा अगर आप भी अपना नेटवर्क का चार्ट देखेंगे तो गौर करिएगा कि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिल जाएगा आपके नेटवर्क में जो आपके साथ जुड़े तो थे लेकिन सिर्फ एक महीना या दो महीना कुछ सामान खरीदी किया और फिर सामान लेना बंद कर दिया था। शायद उसमें से किसी ने 50 पीवी, 100 पीवी, कोई 200 पीवी, 150 पीवी तक भी पहुंच गए रहेंगे, 300 पीवी तक पहुंच गए रहेंगे, बट उसके बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया। क्योंकि उन्होंने काम करना बंद कर दिया, आपने भी उनके साथ बातचीत करना बंद कर दिया, ठीक इसी तरीके से होता है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम एक मिस्टेक कर देते हैं कि जो भी वॉल्यूम उसने किया था उसके ऊपर हमने कभी ना उनको पूछा ना कभी हमने खुद ध्यान दिया कि भले वो छोटा वॉल्यूम किया था लेकिन क्या उसके अगेंस्ट में जो उसका हक बनता था, जो कि कैशबैक का हो या तो अगर उसने अपनी बैंक डिटेल्स नहीं दिए तो वाउचर के माध्यम में उसके एप्लीकेशन में आया है, आपने कभी भी उसके बारे में पूछा नहीं है उनको। तो देखो करना क्या है आपको, एक सेकंड, जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका अगर पूरा नेटवर्क का चार्ट भी आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क में जुड़े जरूर थे लेकिन उन्होंने दो महीना तीन महीना कुछ परचेसिंग की और उसके बाद काम करना बंद कर दिया था। जैसे उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो आपने भी उनके साथ बातचीत करना बंद कर दिया, सभी के साथ ये होता है। देखो इसमें कोई नई बात नहीं है, आपने भी वो किया है, हमने भी वही किया था, लेकिन वो चलते चलते कहीं ना कहीं एक चूक हमसे हो जाती है कि जो भी उन्होंने वो दो तीन महीने में वॉल्यूम किया था तो उसके चलते जो उनका हक बन रहा था जो कि कैशबैक होता है, क्या वो उनके अकाउंट में आया है या उनके अकाउंट में कोई वाउचर आया है। क्योंकि देखो उन्होंने 100 पीवी 200 पीवी किए थे तो आपने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो उनको मिला है या नहीं मिला है, उसके चलते हम हमेशा इग्नोर कर देते कि चलो ये छोटा वॉल्यूम है क्या अभी इससे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता कि वो भले छोटा छोटा अगर 100 पीवी अगर कोई आदमी ने किया है, अगर वो 5% लेवल पे भी है तो भी उसका 90 रुपीज कैशबैक बनता है। और ज्यादातर लोग जब नए जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो यही मिस्टेक करते हैं कि केवाईसी पूरी अपलोड नहीं करवाई देती है, केवाईसी वेरीफाई नहीं करवाई देती है और उसके चलते उन्होंने अपनी बैंक डिटेल्स भी दी नहीं देती है। दूसरी बात, 100 रुपये से कम का कमीशन था उसके लिए वो वाउचर के माध्यम में उनके मोबाइल में आया था, या फिर जैसे अभी आपके स्लाइड में देख रहे हो ये कुछ फोटोग्राफ्स देख लीजिए, पहले तो देख रहे हो क्या क्या अमाउंट है, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, ये भी था लेकिन ये भी उनके अकाउंट में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने बैंक के डिटेल्स वेरीफाई नहीं करवाए थे। तो देखो इसी के चलते ऐसे छोटे छोटे अमाउंट बहुत सारे जमा हो जाते हैं जो हमारे डेड डिस्ट्रीब्यूटर के होते हैं। जो लोग रेगुलर काम करते हैं उनको तो ये सारा पता है तो वो तो रिडीम करवा लेते हैं, लेकिन जिन्होंने आगे काम कंटिन्यू ही नहीं किया है उन लोग के ये सारे अमाउंट बैलेंस पड़े रहते हैं और वो हमेशा के लिए कंपनी के पास पड़े रहते, ना उन्होंने ध्यान दिया ना आपने ध्यान दिया। अब ये केस में करना क्या है, देखिए इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आज से कुछ 4-5 महीने पहले बनाई थी जिसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल्स दी है। तो यहाँ पर तो सिर्फ मुद्दा समझाने के लिए आपको आया हूँ, रिवीजन करने के लिए। तो उस तरीके से आपको उनके वाउचर के डिटेल्स निकालने, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है उसका लिंक, वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि वो वाउचर कैसे निकालते। तो बस आज आपको यही समझाना था, अगर 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया भी वो डेड डिस्ट्रीब्यूटर का पड़ा है और आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले आपके साथ जुड़ा था, फिर से आप उनको कॉल करके अगर उनका वो वाउचर के अगेंस्ट में जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट आप अगर उनको दिलवा देते हो, एक तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा फिर से आपके ऊपर, क्योंकि वो सामान तो अब उनको फ्री में ही मिला है,
अब उनको कोई पीवी का मतलब कोई पैसा तो जेब से डाला नहीं है, उनको एक ट्रस्ट होएगा कि देखो मैंने 5-6 महीना काम नहीं किया फिर भी ये आदमी ने मुझे वापस से याद करके ये सब दिलवाया जो कि फ्री में मिलने वाला था। और आपका बेनिफिट्स क्या हो जाएगा, अगर उसका 200 रुपये का भी वाउचर पेंडिंग पड़ा था तो आपको 6 PV 7 PV का वॉल्यूम मिल जाएगा। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट मंथ में हमारे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग में बस इसी तरह से ट्रेस कर करके 125 PV का वॉल्यूम निकाला था। तो बस आज के बाद आप ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए कि जब भी मंथ एंड नजदीक आता है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को प्लीज ट्रेस करिए। और ये हमेशा चूक होती है, को सभी लोग इसको भूल ही जाते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते, लेकिन वो छोटी छोटी जो वॉल्यूम है वो भी आपको एक बड़ा वॉल्यूम दे सकती है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसमें पूरी डिटेल मैंने बताई है। तो उम्मीद है आपको ये सब्जेक्ट पे समझ में आया रहेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ऐसे डेड डिस्ट्रीब्यूटर को प्लीज आप ट्रेस करिए और जो भी उनके वाउचर है प्लीज वो रिडीम करवाइए ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए और आपको भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिल जाए। मिलते कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।